सुप्रभात बच्चों, यह हमारी कविता है पहली, हे मातृभूमि। इस कविता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले इनके जो कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अब इनके इनका परिचय मैं आपको देता हूँ। जन्म 1897 शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु है 1947 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय देखो, राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। सरपरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। आप प्रमुख कृतियां हैं इनकी मन की लहर, आत्मकथा आदि इनकी क्या है प्रमुख कृतियां हैं। आप पद्य संबंधी क्या बताए देखो, प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में नेछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। कवि कहते जी, हमारे जो मातृभूमि है हमारी, उसके लिए हमें क्या है भक्तिभाव होना चाहिए उनके प्रति, और अगर उनकी सेवा में हमें क्या करना है देश हित में निछावर हो जाने की लालसा भी व्यक्त की है। जब कभी हमें जरूरत पड़े तो प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हमें देनी चाहिए। तो इस कविता में यही कहा है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसके मैं शब्दार्थ आपको देने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ पे शब्द है पद यानी पैर, रज यानी क्या धूल, चरण दबाना यानी सेवा करना, तस्कर यानी त्याग करना, बलिदान यानी प्राणाहुति निछावर करना, देह यानी शरीर, नवाना यानी झुकाना, शीश यानी सिर, भेंट यानी उपहार, जीवा यानी जीव, सपुत यानी सुपुत्र, उपजे यानी क्या पैदा हो, और निज यानी अपने। तो इन शब्दों को आपको क्या करना है पांच बार लिखना है, ठीक है। तो इन शब्दों को आपको पांच बार लिखकर उसे याद करना है। हम इस कविता को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।